चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं 350 क्वेश्चंस, ठीक है। 351 बार क्वेश्चन देखना है हम लोग को। तो जितने भी क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, जितने भी लेक्चर हैं, ये जनरल साइंस नाम की प्लेलिस्ट सूची में पड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ जाकर देख सकते हैं आप लोग। एटीपी संश्लेषण की क्रिया है, तो याद रखना, ऊष्मा ऊर्जा शोषी, एटीपी संश्लेषण ऊर्जा शोषी क्रिया है। 52 क्वेश्चन, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को दो धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे हैं, तो याद रखना, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम एवं कैल्शियम से पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण होता है। 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको एनपीके निर्दिष्ट करती है, तो याद रखना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, डी ऑप्शन है। 54, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है, तो याद रखना, 2 लाख गुना, ठीक। 55 क्वेश्चन नंबर, एक अंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो याद रखना, 10^-10 है। 56 क्वेश्चन, लाल फूलों का संकरण सफेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1PD में प्राप्त होता है, यह दर्शाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभावित के नियम के अनुसार लाल फूलों का संकरण सफेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1PD में प्राप्त होता है। 57 क्वेश्चन नंबर, कैंसर निम्नलिखित में से एक कारण है, तो याद रखना, अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री सूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। 58 क्वेश्चन नंबर, उपापचय की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय होती हैं, तो याद रखना, प्रोफेज, प्रोफेज अवस्था उपापचय की दृष्टि कोशिका ज्यादा सर्वाधिक होती है। बात करते हैं 59 क्वेश्चन, एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, तो याद रखना, प्रोटीन। तो कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होता है। 60 क्वेश्चन नंबर, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक किया, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने, याद रखना, स्लीडन एवं स्वान ने, सी ऑप्शन है 307। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ फ्लोरो पिनियोमोनिया लाइक ऑर्गन्स, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे लंबी कोशिका तंत्र कोशिका तंत्रिका कोशिका है। 61 क्वेश्चन, जीन में होता है, तो याद रखना, पॉली न्यूक्लियोटाइड। 62 क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो याद रखना, अनुवांशिक कोड की खोज के लिए। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार अनुवांशिक कोड के लिए 1968 में मिल दिया गया था। 63, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है, तो याद रखना, पादप कोशिका की कोशा भित्ति सेलुलोज से की बनी होती है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में भिन्नता के लिए एक मुख्य लक्षण सभी पादप कोशिकाओं को कोशा भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। 64, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। 65 क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं, तो याद रखना है, केंद्रक और कोशिका द्रव में। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक एवं कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। 66 क्वेश्चन, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो याद रखना, मेडुला। 67 क्वेश्चन, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। 68, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है, तो याद रखना,
कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक, स्वच्छंद एक अपचयी प्रक्रिया। बात करते हैं 69 क्वेश्चन, पौधे का वह भाग जो पानी एवं बिलियों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है, तो याद रखना जाइलम। ठीक है, पौधे का वह भाग जो पानी एवं बिलिय को जड़ों से पौधों के अन्य भागों में ले जाते हैं जाइलम कहलाते हैं। श्वसन है, तो याद रखना अपचयन प्रक्रिया कैटाबोली। 71, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो याद रखना ये होता है एस्टोमेटा। ठीक है, 72, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, तो आग। आग परागण के लिए आवश्यक नहीं है, हवा पानी कीट ये आवश्यक है। ठीक, 73 क्वेश्चन नंबर, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो याद रखना हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के हैदराबाद में अवस्थित है। 74, सेंटर फॉर DNA फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो याद रखना हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगर एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में स्थित है। यह सेंटर हैदराबाद के अलावा चंडीगढ़ एवं लखनऊ में अवस्थित है। बात करते हैं 375 क्वेश्चन नंबर, सूची ए तथा सूची दो को सम्मिलित करना है, तो सूची खोजे हैं जी और ये हैं वैज्ञानिक, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। DNA की संरचना, तो याद रखना वॉटसन और किक ने खोजी थी। AB ओ रक्त समूह, तो याद रखना लैंडस्टीनर। जंपिंग जीन, तो याद रखना बारबरा मैक्लिनटॉक ने। रेगुलेटरी जीन, तो जैकब और मोनोडो। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। DNA की संरचना वाटसन और किक, AVO रक्त समूह लैंडस्टीनर, पंपिंग जीन बारबरा मैक्लिनटॉक, रेगुलेटरी जीन जैकब और मोनोड। बात करते हैं 376 वा क्वेश्चन, एकल स्टेट डेड वाले DNA अणु कहाँ मिलते हैं, तो याद रखना ये है आई इंटू 174 बैक्टीरियोफेज। ठीक, आगे बात करते हैं 77, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एंजाइम पेप्सिन हार्मोन प्रोजेस्टोन प्रोटीन क्रिएटिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एंजाइम पेप्सिन हार्मोन प्रोजेस्टोन गर्भाशय द्वारा स्रावित होता है यूटरस। प्रोटीन क्रिएटिन, और प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला एवं क्रिएटिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। मनुष्य के नाखून और बाल में क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। 78 क्वेश्चन नंबर, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन में इनमें से होता है, तो याद रखना DNA। मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या है, तो याद रखना 46। 79 का क्या है, ए ऑप्शन सही है। मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या 46। RNA का मुख्य कार्य है, तो याद रखना प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। 81 क्वेश्चन, DNA का मूल मात्रक है, तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, तो याद रखना DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, सी ऑप्शन है 82 का। 83, ग्रे मैटर में होता है, तो याद रखना काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय। ठीक, 84, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो याद रखना माइक्रोप्लाज्मा, सी ऑप्शन है 84। 85, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो याद रखना इसमें सी ऑप्शन माइक्रोप्लाज्मा। 86, जीन का आकार होता है, तो याद रखना सर्पाकार। 87, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण विकार के वर्तिकाक में अंतरित कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं ऑटोगैमी।
ठीक है, सौगमन, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के वर्तक में आंतरिक कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगैमी कहा जाता है। तो इसमें जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग में आंतरिक कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगैमी कहा जाता है। 88 क्वेश्चन, HIV में किस तरह का RNA DNA पाया जाता है? तो याद रखना सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, ठीक है। HIV वायरस में से एड्स होता है, यह रोग असुरक्षित यौन रोग तथा असुरक्षित रक्तदान से होता है। इस रोग से ग्रसित रोगों की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। यह रोग जिस व्यक्ति को होता है उसकी मौत निश्चित होती है, ठीक। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक। 89 कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो याद रखिए माइटोकांड्रिया कोशिका में पाया जाता है जिसमें भोजन तथा या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। 90, 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP बनते हैं? तो याद रखना 36। 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP दिया गया है, ठीक। इसमें ऑप्शन नहीं होने के कारण 36 लगा है। 91, कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है? तो याद रखना ग्लूकोज। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं? तो याद रखना है न्यूक्लियस द्वारा। 93, आलू किस कुल का है? तो याद रखना सोलेनेसी, आलू सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल का पौधा है। सोलेनेसी के अंतर्गत बैगन, लाल मिर्च, तंबाकू, धतूरा इत्यादि होते हैं। ग्रैमिनी, गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, बाजरा, घास इत्यादि के कुल पौधे। कंबोजिटी, सूरमुखी, गुलदाउदी, गेंदा इत्यादि। कुकर बिटेसी, तरबूजा, कद्दू, परवल, खीरा, नेनुआ आदि। बात करते हैं 94 क्वेश्चन नंबर, हम सकल जुड़वा का जन्म तब होता है जब प्रया एक ही लिंग के हैं। जब एक स्पर्म 2 ओवम से सेव करता है तब एक ही लिंग के बच्चे पैदा होते हैं। जब 2 स्पर्म एक समय में 2 अलग अलग ओवम से सेव करता है तब विपरीत लिंग के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। बात करते हैं 95, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका के अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो याद रखना कोशिका भित्ति, ठीक है। 96, अमीनो अम्ल मिलते हैं? तो याद रखना प्रोटीन में। 97 क्वेश्चन, अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है? तो याद रखना कवक से। 98 क्वेश्चन नंबर, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, ए वे सूक्ष्म जीव हैं? तो याद रखना यह फंजाई या शैवाल और कवक, ठीक है। 99, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो 2 विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर से बनता है, ये किन 2 वर्गों के पौधे होते हैं? तो याद रखना शैवाल और कवक। सूक्ष्म और जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? याद रखना प्रतिजैविक। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक का उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए तो 400 हो गए पूरे क्वेश्चन, 401 से आगे हम लोग फिर देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक।